स्वागत है। देखते हैं आज की अपराध जगत की प्रमुख खबरें। आगरा में गांव के बाहर पेड़ से लटके मिले प्रेमी युगल के शव। आगरा के डोकी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह प्रेमी युगल के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों के शव गांव के बाहर पेड़ से लटके मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पुलिस आत्महत्या का मामला मान रही है। पत्नी से हुआ झगड़ा तो उतार दिया मौत के घाट। महाराष्ट्र के सियोनी इलाके में पत्नी की कथित रूप से हत्या कर आत्महत्या का प्रयास करने वाले 25 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने कहा कि संजय और उसकी पत्नी सुमन झारखंड के रहने वाले हैं और 11 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, लेकिन संजय की शराब की लत के कारण दोनों के बीच झगड़ा रहता था। साइड न देने पर मारपीट। घायल के परिजनों ने दूसरे पक्ष के युवक को मार दी गोली। कार से एक्टिवा को मारी टक्कर, फिर दोस्तों ने भी सड़क फाइनेंसर को काट डाला। नाभा के गांव हरिगढ़ के रहने वाले एक फाइनेंसर को उसके ही दो दोस्तों ने तलवार से काट डाला। जिसके मुताबिक कत्ल पैसों के लेन देन के चलते किया गया है। 25,000 के लिए की थी जुगाड़ चालक की हत्या। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जुगाड़ चालक की हत्या के मामले में तीन हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जमानत के लिए 25 रुपए न देने पर चालक की हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने तीनों गुनहगारों पर जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से आधी धनराशि मृतक के निकटतम परिजन को देने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस के लिए पट बाइक चोरी कर करने लगा पेट्रोलिंग। पुलिस ने बुधवार को एक 32 साल के युवक को दिल्ली पुलिस के लिए पट बाइक चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की लेपर्ड मोटरसाइकिल को एक युवक प्रीत विहार थाने से लेकर फरार हो गया था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने की कांग्रेस नेता की बेरहमी से हत्या। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने शनिवार को एक कांग्रेस नेता की हत्या कर दी। इस वारदात को स्थानीय पुलिस स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।